आइए सुनते हैं जीवन को एक महत्वपूर्ण सीख देने वाली प्यारी घटना। एक लड़के ने अपनी मनपसंद लड़की से शादी की और उसे बहू बनाकर अपने घर ले आया, लेकिन वो लड़की अपने साथ किसी प्रकार का दहेज लेकर नहीं आई थी, इसलिए माँ ने उसे अस्वीकार कर दिया और कहा कि मुझे नहीं चाहिए ऐसी बहू। उसने बेटे और बहू को घर से बाहर निकाल दिया। बेटे ने कहा, ये तेरी बहू बहुत सुशील है, संस्कारी है, तेरी खूब सेवा करेगी। पर माँ ने एक न सुनी और कहा, मेरे घर से बाहर निकल जाओ। बेटे ने कहा, हम भले ही किराए के मकान में जा रहे हैं, पर माँ उस घर को भी तुम अपना समझना, और वो घर के दरवाजे तेरे लिए सदा खुले रहेंगे। माँ ने अपने दो और बेटों की शादी ऊंचा दहेज देने वालों के यहाँ कर दी। बहुएं आ गई, पर नखरे वाली, ऐशो आराम वाली, कोई काम धाम ना करने वाली। अब माँ को दिन भर घर का काम करना पड़ता। बहुओं ने बेटों को भी अपने पक्ष में कर लिया। धीरे धीरे बेटे और बहुओं का व्यवहार माँ से बिगड़ने लगा। माँ को बहुत बुरा लगता। एक दिन माँ के मन में आया, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, दहेज के लालच में बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला। जो अच्छी बहू आई थी उसको तो घर से बाहर निकाल दिया, और अब इन दोनों बहुओं के छाती कोटे सहन करने पड़ रहे हैं। जब बेटे और बहुओं का विगार बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, तो माँ ने अपने उस किराए के घर में रहने वाले बेटे के पास जाना ही उचित समझा। वो उस बेटे के यहाँ जा पहुँची। जैसे ही उस बेटे और बहू ने माँ को देखा तो बड़े हर्षित हो गए, बड़े खुश हो गए और माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, माँ, तूने बड़ी कृपा की, यहाँ पधारकर आज हमारा दिन धन्य हो गया, हमारा जीवन धन्य हो गया। अब कृपा करना, तू सदा यही रहना और अपने आशीर्वाद हम पर बरसाते रहना। और पोते पोतियां भी माँ से लिपट गए। माँ ये देखकर भाव विवल हो गई, बेटे बहू को आशीर्वाद दिया। माँ ने बेटे बहू से कहा, वास्तव में तू ही मेरा असली बेटा है, और ये तेरी बहू वास्तव में गुणवान और अच्छे कुल वाली है। बेटे बहू ने माँ को सम्मानपूर्वक बिठाया और रोज उनकी अच्छी सेवा करने लगे। एक दिन माँ ने भाव विवल होकर कहा, अरे बेटा, वास्तव में तू बहुत अच्छी बहू लेकर के आया है, बहुत गुणवान और संस्कारी बहू लेकर के आया है, पर मैं इसे पहचान न पाई। और एक दिन जब रात को बेटे बहू माँ की सेवा कर रहे थे, पांव दबा रहे थे, तो यह देखकर माँ का जी भर आया और उसने अतीत में हुए व्यवहार के लिए माफी मांगी और कहा, एक वो बेटे और बहुएं हैं जो मुझे देखना तक पसंद नहीं करते और मेरे साथ अभद्रता भरा व्यवहार किया करते थे, और एक तू है जो मेरी इतनी सार संभाल करता है। हे भगवान, तू सबको ऐसे बेटे बहू देना। यह घटना हमें सिखाती है कि घर में केवल अमीरी हो और संस्कार ना हो तो वो अमीरी भी हमें खाने लग जाती है, वो अमीरी भी हमारे लिए बर्बादी का कारण बन जाती है। पर घर में संस्कार हो तो अमीरी भी हमारे लिए वरदान बन जाती है। इसलिए दहेज अर्थात धन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण अच्छा मन होता है, धन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण अच्छा मन होता है। अगर मन अच्छा हो, घर में संस्कार हो, तो थोड़ा धन भी सुख शांति और समृद्धि के अंबार लगा देता है।